हमारे भाई दिल्ली से दीपक पारसा जी। मैं अपने सभी भाई था बहनों से सबसे पूछना चाहता हूँ, सब वाल्मीकि है, सारी हमारी बहनें हैं, मेरे बहनों, मेरे भाइयों और मेरे बच्चों, इस बात का विशेष ध्यान रखे कि हमारे गुरु का अपमान नहीं हुआ है। ये आपकी शुरुआत है, आपकी नपुंसकता, आपकी कमजोरी को भापनेगा। आज इस गुरु की, वाल्मीकि गुरु जी की जो मूर्ति तोड़ी गई है, कल वो दिन दूर रही है, इन बच्चों के हाथ पकड़े जाएंगे और मेरे साथियों हम ऐसे चुपचाप देखते रहेंगे तमाशे को। अगर आज इस गुरु जी के इस मूर्ति को तोड़ने पर हमने आवाज नहीं उठाई और अपना विरोध नहीं जताया तो वो दिन दूर नहीं है कि घरों से जैसे और डिस्ट्रिक्टों में हमारी बहनों बेटों को छीना जाता है, नोचा जाता है। आप देख सकते हैं हर गांव में, हर सिस्टम में हम दलितों के ऊपर अत्याचार होते हैं। अभी आप देख सकते हैं वहां पे किसान आंदोलन में जब गुरु ग्रंथ को छेड़ा गया तो हाथ पे लगाने वाले को हाथ को काट दिया गया, ताकतों को पता जाता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप लोग भी एक छेड़ कौम में शर्म ले रखा है। पाली समाज कोई हल्का समाज नहीं है, हमारी माँ ने, हमारी छेड़ियों ने हम छेड़ पैदा किया है। और मैं कहना चाहता हूँ दावे से अगर इस गाँव का शख्स है तो अभी आके अपनी मर्दानगी का परचम लहराए और हमारे से दो हाथ करके दिखाए, और नहीं तो किसी भी जाति का या किसी समाज का नहीं मानते हैं उसको, उस गरीब आदमी को इस बात का ध्यान रखे, उस गुरु की प्रतिमा को अकेला ना छोड़ा जाए और अपनी संख्या को कम ना समझा जाए। आप माता है आप पहले और जो हमारे आज हमारे अभी यहाँ पे नहीं है, अभी जो वहाँ पे वहाँ पहुंचे हुए हैं हम उनके साथ है। ये दिल्ली का आवाज है, आप चिंता ना करें, ये सब भाई दिल्ली से आए, पंजाब से आए, हरियाणा से आए हैं। आप लोग ये ना समझे ये 200 घर है, ये 200 नहीं, ये 200 लाख घर है। आप एक बार आवाज सुनो, ताले के दरबार को हम सब सुनना पसंद करेंगे, जो उस हराम के बीच को सलाखों के पीछे दौड़ाएंगे। इन ताले की गड़गड़ाहट का हमारा मकसद जब पूरा होगा, हम अपनी बहनों से, अपनी माँ से क्या चाहते हैं, क्या देगा आप के भाई, आपके पिता अगर वहाँ पे है तो आप भी सैन्य है उस जंगल में खड़े होकर ताले और हराम के बीच को चैलेंज करे, हम देखते कौन था, आप अपने आप को कमजोर ला सकते। गुरु पाठी की 24 की।